हाय फ्रेंड, यू आर मोस्ट वेलकम वन सेकंड एट माय चैनल एडवांस लर्निंग्स। एंड टुडे वी विल लर्न न्यू फ्यू सेंटेंसेस। जी हाँ दोस्तों, रोज की तरह आज हम लोग फिर कुछ नए सेंटेंस जानेंगे। दोस्तों मतलब देखिए दोस्तों, इंग्लिश का बहुत ही बड़ा यूज़ है डे टू डे लाइफ में। लेकिन दोस्तों, इंग्लिश बोलने के लिए सबसे पहले रूल रेगुलेशन को फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों जब तक आपको रूल ही पता नहीं रहेगा, तब तक आप इंग्लिश बोल ही नहीं पाओगे। दोस्तों हर चीज़ का रूल होता है, मतलब दोस्तों हर चीज़ का जो एक रूल होता है, अपना रूल होता है। जब तक हम लोग रूल को फॉलो नहीं करेंगे, जब तक हम लोग वो चीज़ को अचीव नहीं कर सकते। और दोस्तों आज का जो सेंटेंस है वो इस तरह से है कि दोस्तों, अगर हम लोग इस तरह से बोलना होता है कि दोस्तों, जैसे कि अगर हम लोग इस तरह से बोलना होता है कि यार आजकल तो यार टेलीफोन के ज़माने नहीं है, आजकल तो मोबाइल का ज़माना है। या दोस्तों ऐसा होता है ना कि टेलीफोन का रियल में आजकल ज़माना नहीं रहा, और आजकल तो दोस्तों फ़ोन का ज़माना है, मतलब एक से एक अच्छा अच्छा फ़ोन सब है। दोस्तों अगर इस तरह का सेंटेंस अगर कोई बोलता है यार, मतलब कि टेलीफोन के ज़माने तो चले गए, आज का ज़माना जो है वो तो मोबाइल फ़ोन का ज़माना है। अभी ये तो हिंदी दोस्तों हम लोग कितना ईजी में हम लोग बोल लिए कि मतलब टेलीफोन का ज़माना तो चला गया, आजकल का जो ज़माना चल रहा है वो तो मोबाइल फ़ोन का ज़माना है। अब दोस्तों इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, अब दोस्तों बोलिए कैसे बोलेंगे। अब दोस्तों अभी हम परेशान हो गए होंगे कि यार सेंटेंस तो बहुत भारी है, इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलें। दोस्तों बिल्कुल इजी है, और दोस्तों मैं आपको यहाँ बहुत ही इजी वे में बतलाने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, इस तरह का जो भी सेंटेंस अगर आया आपके लाइफ में दोस्तों, उसको आप इस तरह से आप लोग उसको बोल सकते हैं। जैसे कि सेंटेंस इस तरह से था कि मान लीजिए दोस्तों, आपको इस तरह से बोलना हो कि टेलीफोन के ज़माने तो चले गए, आजकल का जो ज़माना है वो तो सेलफोन का ज़माना है। अब दोस्तों देखिए, ये तो हम लोग हिंदी में कितना इजी वे में बोल गए, अब इसी को हम लोग को इंग्लिश में बोलना है तो कैसे बोलेंगे सोचिए। देखिए दोस्तों, कुछ नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, मैं आपसे यहाँ शेयर करने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, ऐसा होता है कि जब भी इस तरह का सेंटेंस आए तो उसको हम लोग इस तरह से बोलेंगे कि गोन आर द डेज ऑफ टेलीफोन। जी हाँ दोस्तों, गोन आर द डेज ऑफ टेलीफोन, इसका मतलब होता है कि टेलीफोन के ज़माना चला गया। गोन आर द डेज ऑफ टेलीफोन, दीज आर द डेज ऑफ सेलफोन। यहाँ दोस्तों, या मोबाइल फ़ोन जो बोलना है आपको। दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि टेलीफोन के ज़माने तो चले गए, आज का जो ज़माना है वो मोबाइल फ़ोन का ज़माना है। दोस्तों इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह बोलेंगे कि गोन आर द डेज ऑफ टेलीफोन, दीज आर द डेज ऑफ मोबाइल फ़ोन। दोस्तों अब तो आपके समझ में आ गया होगा कि इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में हम लोग किस तरह बोलते हैं। और दोस्तों अब इसी तरह के सेंटेंस, मतलब सेम सेंटेंस, मतलब मैचिंग सेंटेंस आप लेके आप इसी तरह के, मतलब जो मैं आपको यहाँ जो रूल बता चुका हूँ, और दोस्तों अब इसी तरह के सेंटेंस को लेके आप दोस्तों बोल सकते हैं। और दोस्तों देखिए क्या था, कितना ईजी था, इसमें कुछ भी है, कितना ईजी है। दोस्तों इंग्लिश एक लैंग्वेज है, भाषा है, कोई ईजी मतलब कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही ईजी है, बस आपको रूल और रेगुलेशन फॉलो करना है। और दोस्तों आप मेरा वीडियो देखा कीजिए, इससे आपको इंग्लिश बोलने में बहुत ही हेल्प मिलेगा, क्योंकि मैं दोस्तों मैं रोज़ न्यू सेंटेंस आपको बताता हूँ यहाँ पे। और दोस्तों मैं आपको वोकैबुलरी मतलब बताने वाला हूँ और नए फ्रेज बताने वाला हूँ, इसी दोस्तों मेरी वीडियो को मतलब शुरू से लेके और इन तक देखा करें। और दोस्तों जैसे कि हम लोग आप सेंटेंस पे आ जाते हैं, सेंटेंस इस तरह से था कि मतलब हम लोग इस तरह बोलना है कि टेलीफोन के ज़माने चले गए, आजकल का ज़माना जो है वो मोबाइल फ़ोन का ज़माना है। दोस्तों हम लोग इस तरह बोलना है कि गोन आर द डेज ऑफ टेलीफोन, दीज आर द डेज ऑफ मोबाइल फ़ोन। इसका मतलब ये होता है कि टेलीफोन के ज़माने तो चले गए, आजकल का ज़माना जो है वो मोबाइल फ़ोन का ज़माना है। दोस्तों मैं यहाँ सेंटेंस को इसलिए बार बार रिपीट कर देता हूँ कि देखिए दोस्तों, सुनने से क्या होता है कि हम लोग को कोई भी चीज़ याद हो जाता है। दोस्तों जितना हम लोग पढ़ के लिख के नहीं सीखते हैं, उससे ज़्यादा दोस्तों हम लोग सुन के समझ जाते हैं। इसलिए दोस्तों वीडियो को सुना करें, और दोस्तों बार बार सुना करें, इससे ये होगा कि आपके समझ जल्दी आ जाएगा। तो मैं यहाँ सेंटेंस को फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि इस तरह अगर बोलना है कि टेलीफोन के ज़माने चले गए, आजकल का जो ज़माना चल रहा है वो मोबाइल फोन का जमाना है। गोन आर द डेज ऑफ टेलीफोन, दीज आर द डेज ऑफ मोबाइल फोन। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल और दे रहा हूँ। दोस्तों अगर आपको इस तरह से बोलना हो कि जैसे मान लीजिए दोस्तों कि आप इस तरह से बोलना है, पंखा का जमाना तो आजकल चला गया, आजकल जमाना जो है वो तो एसी का जमाना है। जैसी बात है, तो जमाना थोड़ा डेवलप कर गया, तो मतलब बहुत सारे हमारे फ्रेंड होंगे जिनके पास एसी होगा, और बहुत सारे फ्रेंड हमारे ऐसे होंगे जिनके पास फैन भी होगा। दोस्तों मतलब ओनली आप सेंटेंस है, हम लोग ओनली सेंटेंस को जाने। देखिए दोस्तों, अगर इस तरह से हम लोग बोलना है कि मतलब फैन के जमाने तो चले गए, आजकल का जमाना जो चल रहा है वो तो एसी का जमाना है। तो दोस्तों हम लोग सेंटेंस को इस तरह इंग्लिश में बोलेंगे कि गोन आर द डेज ऑफ फैन। जी हाँ दोस्तों, गोन आर द डेज ऑफ फैन, दीज आर द डेज ऑफ एसी। देखिए दोस्तों कितना इजी है ना, मतलब इसमें मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल इजी है। और दोस्तों मेरी यह कोशिश रहती है कि मैं हर चीज़ को मतलब इतना इजी बताऊं कि आपके समझ में बहुत ही जल्दी आ जाए। अब दोस्तों देखिए कितना इजी है ना कि गोन आर द डेज ऑफ फैन, दीज आर द डेज ऑफ एसी, कि मतलब फैन के ज़माने तो चले गए, आजकल जो ज़माना चल रहा है वो तो एसी का ज़माना है। तो देखिए कितना इजी है ना दोस्तों, मतलब देखिए बस आपको सिर्फ समझना है कि रूल क्या है।
दोस्तों मैं सेंटेंस को फिर से एक बार रिपीट करते रहा हूँ कि गोन आर द डेज ऑफ फैन, दीज आर द डेज ऑफ एसी, मतलब पंखा का जमाना चला गया, आजकल जमाना जो है वो एसी का है। और दोस्तों आप इसी तरह के सेंटेंस लेके घर पे खुद से प्रैक्टिस करें, और दोस्तों मैं आपको फुल कॉन्फिडेंस दिलाता हूँ कि आपका जो इंग्लिश है वो बहुत ही फ्लुएंट हो जाएगा। और दोस्तों आपको सिर्फ मतलब सुनना है। देखिए दोस्तों क्या होता है कि मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि दोस्तों इंग्लिश मतलब ऐसा चीज़ है कि दोस्तों इसको हम लोग कितना पढ़ेंगे याद करेंगे उससे नहीं होता है। दोस्तों हम लोग दोस्तों जितना सुन के समझ सकते हैं कोई भी चीज़ को, उतना दोस्तों हम लोग लिख के पढ़ के नहीं समझ सकते हैं। दोस्तों मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि लिखना पढ़ना बेकार है, दोस्तों मेरा कहने का ये मकसद बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों लिखना पढ़ना और समझना बहुत अच्छी चीज़ होती है, लेकिन दोस्तों जितना हम लोग दोस्तों सुन के समझ सकते हैं उतना दोस्तों हम लोग खुद से पढ़ के स्टडी करके ट्यूशन कोचिंग करके उतना दोस्तों हम लोग नहीं समझ सकते हैं। दोस्तों मेरा भी मेरा यहाँ पे ये मकसद नहीं कि आप लोग कोचिंग मत जाए, आप पढ़ा लिखना छोड़ दें, ऐसा दोस्तों मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल मत सोचें। देखिए दोस्तों मेरे कहने का ये मतलब है कि जितना दोस्तों हम लोग देखिए दोस्तों लिख पढ़ के जो हम लोग सीखते हैं वो सीखते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन दोस्तों जितना हम लोग सुन के सीखते हैं, सुन के दोस्तों हम लोग बहुत ही जल्दी सीख जाते हैं। देखिए सुनने से क्या होता है कि हम लोग के माइंड में जो होता है वो चीज़ हम लोग को याद ही हो जाता है कि मतलब यहाँ पे इस तरह से यूज हुआ था। इसलिए दोस्तों वीडियो को सुन के देखा करें। दोस्तों मेरा मकसद बिल्कुल ये भी नहीं है कि आप लोग मतलब पढ़ना लिखना छोड़ दें, पढ़िए लिखिए, पढ़ने बहुत अच्छी बात है, कोचिंग जाइए और अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों वीडियो को सुना कीजिए। देखिए तो सुनने से क्या होता है कि हम लोग का जो माइंड होता है ना वो सुनने से क्या होता है कि वो उसको बहुत ही जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए दोस्तों जितना हम लोग सुन के सीख सकते हैं उतना हम लोग लिख के पढ़ के नहीं सीख सकते हैं। दोस्तों मेरा यहाँ पे इतना ही बोलना था। और दोस्तों मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि जिन फ्रेंड ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखिए दोस्तों सब्सक्राइब करने का ये बेनिफिट होता है कि मैं इंग्लिश से रिलेटेड वीडियो अक्सर डालता रहता हूँ, लेकिन दोस्तों कब डालता हूँ ये तो ओनली मतलब हम ही ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, मुझे ही पता है। इसलिए दोस्तों आप लोग क्या करें कि मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखिए दोस्तों सब्सक्राइब करने से ये होगा कि मैं जब भी कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन सीधा आपके फ़ोन पर आ जाएगा। और दोस्तों मैं आपको यहाँ पर ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। और दोस्तों मैं जो हर वीडियो में बोलता हूँ आज मैं फिर से आपको याद दिला दूँ कि इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपका कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ भी आस्क करना हो, तो आप विदाउट हेजिटेशन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपना प्रॉब्लम हमसे शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों आई होप मैं आपको फुल कॉन्फिडेंस दिलाता हूँ कि मैं आपके प्रॉब्लम का सलूशन करूँगा। ओके दोस्तों अब मिलेंगे अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। बाय।